भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय महतारी ब्यूटी सोप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर राजपूत सर्वहित कल्याण सभा फतेहपुर के सदस्यों ने रविवार को राजा का तालाब में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले समाचार विक्रेता केवल कृष्ण के घर पर जाकर उसकी पत्नी को सहायता राशि भेंट की। वहीं परिवार को ढांढस बंधाकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इससे पहले राजपूत सर्वहित कल्याण सभा ने कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पंचायत बरोट बनाल के गांव बतलाहट में मनाई, जिसमें सभा सदस्यों ने महाराणा प्रताप की फोटो पर पुष्प अर्पित किए व दो अन्य गरीब परिवारों की अनोह दयाल की अनाथ बच्ची व बतलाहट गांव की बिन बाप की बेटी को 5100 रुपए दिए। वहीं प्रतिमा 1000 रुपए देने का वादा किया। सभा प्रधान नरेंद्र मनकोटिया ने बताया कि सभा हमेशा से ही गरीब परिवारों के उत्थान के लिए आगे रही है। इसी कड़ी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर 3 परिवारों की मदद की गई है। वहीं सभा चेयरमैन राघव पठानिया ने बताया कि सभा का निर्माण ही गरीबों की मदद के लिए किया गया है। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में सभा से जुड़ें, ताकि सभा ऐसे और कई परिवारों की मदद के लिए आगे आ सके। इस मौके पर सभा के वरिष्ठ कार्यकारिणी KBS राणा, डॉक्टर भूरी सिंह, करनैल सिंह राणा, रघुवीर सिंह पठानिया, ताराचंद संबियाल, पूर्व प्रधान जगदेव सिंह, DS पहिया, नरेंद्र जसरोटिया, सुजीत सिंह जसरोटिया, सचिव बलजीत राणा, ब्रोट के पूर्व प्रधान उत्तम सिंह, ओंकार सिंह, सुभाष सिंह, बीना राणा, इंदु राणा, BDC सदस्य तमन्ना धीमान व अन्य मौजूद रहे। टाइम है जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, अगर अगर जो जिस चक्की में आज हम पिस रहे हैं, अगर कल को ये बच्चे उस चक्की में पिसेंगे तो ये हमको लानत देंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमारा एक होना बहुत जरूरी है। इसी कारण हमने ये राजपूत सभा फतेहपुर में बनाई थी। पहले भी थी, पता नहीं पहले कुछ गलतियाँ हुई या कुछ हम में कमियाँ थी कि हमारी सभा जो है वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अब हमने अपने तन मन धन से एक बीड़ा उठाया है कि हम राजपूतों की सेवा करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजपूत धर्म को बचाएंगे, राजपूत धर्म को फिर उस बुलंदी पर पहुँचाएंगे जिस पर उसका हक है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो, तो जब तक ये रक्षण खत्म नहीं होगा तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। दूसरा ये है कि एक छोटी सी हमारी सभा है, फिर भी हम ये चाहते हैं किसी भी गांव में कोई राजपूत गरीब लड़की है जिसकी शादी करना मुश्किल है, बीमारी पड़ गई है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता है, हम कुछ भी करके हम उसकी मदद करते हैं। जब तक है तब तक हम मदद करते रहेंगे। हम अपनी तरफ से हर महीने 1000 रुपया या उससे ज़्यादा की राशि अगर हम दे पाएँ तो हम हर महीने उनको ज़रूर देंगे, और कुछ शगुन राशि जो है तो हम अभी दे के जाएंगे उनको, ताकि कोई भी राजपूत फैमिली जो है वो गरीब ना हो, कोई भी राजपूत फैमिली ऐसी ना हो जो किसी के ऊपर निर्भर रहे। हम राजपूत हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हमारा हक है हम छीन के लेंगे। इसके लिए हम सभी को एक साथ जुड़ना होगा। मैं इस इतने बड़े गांव में, राजपूतों के गांव में आके एक यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपको बड़ी विनम्र विनती करूँगा आप सभी को कि आप हमारी सभा के साथ जुड़ें, हमारे साथ चलें। कल को किसी भी के ऊपर कोई भी, भगवान ना करे कोई विपत्ति आए, तो सभा जो है वो आपके पीछे नहीं खड़ी होगी, आपके आगे खड़ी होगी। ये इस चीज़ की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उनकी कोई प्रॉब्लम किसी राजपूत भाई को आती है, वो हमारे साथ संपर्क करे, उसको हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए, हॉस्पिटल में कोई काम नहीं हो रहा है, या कि किसी किस्म के कोई गलत केसों में फंसा है, तो प्लीज़ हमारे साथ संपर्क करें, हम उसकी दिलो जान से मदद करेंगे। और मेरी सभी से, माताएं बहनों से, यहाँ के राजपूत भाइयों से, बुजुर्गों से ये अपील है कि हमारे साथ जुड़े। एक बहुत अच्छे लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं कि हम राजपूतों को फिर से उस पहले तो बहुत आए, मगर जब हमने अपने जो हमारी
बड़ी लंबी सोच थी कि हम जो हमारे समाज में गरीब फैमिली हैं, जैसे अदर कास्ट की राजपूत सभा हैं, वो अपने समुदाय की हेल्प करती हैं, मगर हमारे राजपूत जो है वो एक दूसरे को देखते नहीं है कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। तो यही कारण है कि हमने इस सभा का एक संगठन तैयार किया था, मगर उसमें भी हम इतने कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मिल को मिल नहीं रहा हमारे संगठन से, एक जबरदस्ती एक कहीं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए फतेहपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।